नमस्कार। आज मैं आपको जो हाथों में पैरों में डील हो जाते हैं उनके बारे में बताऊंगा। डील को कॉर्न भी कहते हैं और कई जगह गोखरू के नाम से भी जाना जाता है। गोखरू से मुझे याद आया कि गोखरू जड़ी बूटी में भी आता है, छोटा गोखरू बड़ा गोखरू। वो कांटेदार होता है, जहाँ कहीं स्किन पे चमड़ी पे लगाओगे तो एकदम चुभन सी चुभन महसूस होती है। तो इसमें भी डील में भी क्या होता है कि हम हाथ में अगर हैं तो किसी चीज़ को उठाते हैं या पकड़ते हैं तो हमें दर्द और चुभन महसूस होती है। इसी तरह हमारे पैरों में है तो हम जमीन पे चलते फिरते हैं तो हमें चुभन और दर्द महसूस होती है। डील क्या होती है ये बताया था। हमारी चमड़ी जो होती है, उस चमड़ी की जो बेजान कोशिकाएं एक के ऊपर एक इकट्ठी होकर बनने वाली मोटी गांठ को डील कहा जाता है। दोस्तों, बहुत से रोगी हमारे पास आते हैं, वो ये कहते हैं कि जी हमने चक्कू से या ब्लेड से डील को हटा देते हैं और थोड़े दिन बाद दोबारा हो जाती है। इसी तरह कुछ लोग आते हैं जी हम कॉर्न कैप लगा के देते हैं तो कुछ समय बाद वो गांठ निकल आती है, बाद में फिर दोबारा से हो जाती है। इसी तरह कुछ रोगी ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं जी हमने सर्जरी करवा ली, बार बार कॉर्न हो जाती है, कुछ समय के लिए आराम मिल जाता है लेकिन बाद में फिर दोबारा से हो जाती है। कई रोगी ऐसे भी आते हैं जिनको इतना ब्लेड से इतना छुरियों से उसको कुरेद देते हैं कि उनको कॉर्न तो चलो थोड़े समय के लिए आराम आ जाता है, मगर उसमें क्या होता है, इन्फेक्शन के कारण मवाद और ब्लड आने लग जाता है, वो और ज़्यादा परेशानी का घर हो जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि कैसे आप किसी भी नरम गांठ को या सख्त गांठ को, डील को किस तरह से ठीक करें ताकि आप बिल्कुल जड़ से इसको ख़त्म कर सकें। अब मैं आपको इसके लक्षण बताया तो सबसे पहला लक्षण तो मैं आपके पैर के तलवों में जो हमें डील हो जाती है, चाहे वो आगे के हिस्से में हो चाहे एड़ी के हिस्से में हो, तो क्या होता है कि जब हम चलते फिरते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कील चुभ रही हो और काफ़ी दर्द महसूस होती है, चलने में बड़ी परेशानी होती है। इसी तरह लोगों के हाथों में डील हो जाती है तो कोई चीज़ उठाने में, कोई चीज़ पकड़ने में काफ़ी ज़्यादा दर्द महसूस होती है। कई रोगियों के उंगलियों के बीच में या उंगलियों के ऊपर पैरों की हो चाहे हाथों की हो, वहाँ पे भी डील की शिकायत हो जाती है। ज़्यादातर ये गोल होती है, कई रोगियों की ये नरम गांठ होती है, कई रोगियों की सख्त गांठ होती है। कई रोगी ऐसे आते हैं दोस्तों जिनको डील होते हुए भी उनको कोई परेशानी नहीं होती, मगर कई रोगी ऐसे देखने को आते हैं जिनके हाथों में अगर डील है तो हाथों में सूनापन और सूजन, पैरों में डील है तो पैरों में सूनापन और सूजन और दर्द महसूस होती है। ज़्यादातर लोगों को डील से क्या होता है कि कील जैसी चुभन होती है और दर्द होता है और इसका इलाज करने पे वो ठीक हो जाते हैं, मगर कोई रोगी ऐसा होता है जिनकी डील लासिका जिसे हम लाइम्फोसाइटस तक पहुंच जाती है, हड्डियों तक पहुंच जाती है, जो अंदर जाके फिर क्या इन्फेक्शन पैदा कर देती है जिससे वो कैंसर का रूप भी धारण कर लेती है। इसलिए मैं आपको कहूँगा कि इसका ध्यान से अपना ध्यानपूर्वक इलाज करिए ताकि आप बिल्कुल ठीक हो सकें। अब मैं आपको कॉर्न क्यों होता है इसका कारण बता देता हूँ। सबसे पहला कारण तो ये होता है कि हमें हमारी जो त्वचा है उसमें घर्षण हो, रगड़ हो, या मान लीजिए दबाव पड़े इस पे, तो ये जो त्वचा की जो कोशिकाएं होती है ना, जितनी जगह पे दबाव पड़ता है उतनी जगह की कोशिकाएं, ज़्यादा मात्रा में दबाव पड़ता है एक हिसाब से दबाव पड़े तो हमारे इन चमड़ी के नीचे चर्बी होती है वो सहन कर लेती है, मगर ज़्यादा मात्रा में दबाव पड़ने से क्या होता है कि वो त्वचा बेजान सी हो जाती है और वहाँ पे गांठ सी बन जाती है जो कि कॉर्न के रूप में तंग करती है। कई जने ज़्यादा देर तक खड़े रहते हैं, उसके कारण भी पैर के, देखोगे पैर के तलवे में, पैर की एडी में डील हो जाती है। कई लोग नंगे पैर चलते हैं तो उसके कारण भी डील की शिकायत हो जाती है। कई रोगी ऐसे भी आते हैं हमारे पास जो ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, भारी चीज़ें उठाते हैं, हथौड़ा वगैरह, या मान लो कोई ऐसा काम करते हैं जो मेहनत वाला काम है पकड़ने का, जिसमें काम ज़्यादा होता है, तो उनके हाथों में देखोगे डील पड़े रहते हैं, तो वो ज़्यादा सख्त हाथों से पकड़ने से या ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह कोई चीज़ उठाने से भी डील की शिकायत हो जाती है। कई लोगों को तेज ऊपर हील की सैंडल डालने से या जूते डालने से या तंग जूते पहनने के कारण भी डील की शिकायत हो जाती है। कई रोगियों को क्या होता है कि लकड़ी की कोई का जो टुकड़ा होता है वो फंस जाता है, उसके कारण भी गांठ बन जाती है। जो व्यक्ति पतले होते हैं या जो बूढ़े बुजुर्ग हमारे होते हैं, बड़े बूढ़े बुजुर्ग जो होते हैं, या मान लीजिए जिन व्यक्तियों को ज़्यादा पसीना आता है, ऐसे लोगों को कॉर्न की शिकायत ज़्यादा होती है, क्योंकि ऐसे लोगों के देखोगे आप जो पतले होते हैं उनके
त्वचा के नीचे वसा कम होती है, बुजुर्ग लोग होते हैं उनके त्वचा के नीचे भी वसा कम हो जाती है, जिसकी वजह से कॉर्न बन जाता है, डील बन जाते हैं। इसी तरह जिनको पसीना ज़्यादा आता है तो उनके कई बार क्या होता है कि पसीने की वजह से भी एक जगह कुछ जगह का अंश ऐसा होता है जो वो हार्ड चीज़ को पकड़ते हैं, या मान लीजिए हार्ड ज़मीन पे ज़्यादा देर चलते हैं तो उनके क्या होता है पसीने के इन्फेक्शन से भी कुछ जगह पे गांठ बन जाती है। अब कॉर्न से कैसे हम बचाव करें जो हमें कॉर्न की शिकायत ना हो, वो बता देता हूँ मैं आपको कि ज़्यादा तंग जूतों का इस्तेमाल मत करें, अपने साइज़ के अनुसार ही जूतों का इस्तेमाल करें। ज़्यादा नोक वाले जूतों का इस्तेमाल ना करें, ज़्यादा हील वाले जूते या जो सैंडल होते हैं उसका इस्तेमाल ज़्यादा ना करें। इसके बाद जिनको पसीना ज़्यादा आता है तो हाथों पे पैरों पे अच्छे से पाउडर का, जिसे टेलकम पाउडर कहते हैं, या भाटा मिट्टी को अच्छे से लगाने से भी पसीने की शिकायत ख़त्म हो जाती है और उनको डील की शिकायत नहीं होती है। अपने नाखूनों को हफ्ते में एक बार ज़रूर काटें। अब कहोगे जी नाखूनों को काटने का क्या फ़ायदा, तो मैं बताया तो नाखून जब बढ़ जाते हैं तो जूते में फंस जाते हैं पैर, और पैर के अगले हिस्से में तलवों में ज़्यादा दबाव पड़ता है, एडी में ज़्यादा दबाव पड़ता है, तो उससे भी डील की शिकायत हो जाती है। अब क्या करें ऐसा जो जिससे हमें डील की शिकायत ना हो, कभी हम जैसे मर्जी रहें, हमें कोई परेशानी ना हो, ये डील वालों के लिए भी फ़ायदेमंद है। तो रात को सोते समय हल्के गुनगुने पानी से अच्छे से पैर को धोएं। पैर को धोते समय हमें पत्थर आता है जिससे हम पैरों को धोते, जिसे झावा भी बोल देते हैं, और उससे अच्छे से जो हमारी मृत कोशिकाएं उसको हटा लें, और जब अच्छे से धो दिया उसके बाद अच्छे से पोंछ के सरसों तेल हल्का गर्म करके पूरे पैर पे अच्छे से मालिश करके सोएं। इससे सोने से क्या फ़ायदा होगा कि हमें ये फ़ायदा होगा कि हमें डील तो पड़ेगा नहीं और हमारे पैर बिल्कुल मुलायम रहेंगे, कभी दरार वगैरह कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। मगर एक फ़ायदा और भी होता है कि हमारे दिमाग तक, जैसे हम इस पे पत्थर को रगड़ते हैं, हमारे दिमाग तक की नसों में खून का दौरा अच्छे से होता है और दिमाग की नसों की खुश्की ख़त्म होती है, जिससे कि अच्छी और गहरी नींद आती है, किसी नींद की दवाई की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। और बहुत ही अच्छा नुस्खा है ये, बहुत कारगर भी है, इसे अपना के देखें आपको पूरा लाभ मिलेगा। अब मैं आपको घरेलू उपचार बताता हूँ। घरेलू उपचार में सबसे पहले आपने रात को सोते समय हल्के गुनगुने पानी से पैर को धो देना है, उसके बाद आपने पत्थर से रगड़ के पैर को धोना है, और फिर पोंछ के आपने क्या करना है कि नींबू का रस 1 चम्मच छना हुआ लेना है, लहसुन का रस 1 चम्मच छना हुआ लेना है, उसमें हल्दी आपने इतनी डालनी है कि अच्छे से पेस्ट बन जाए। वो पेस्ट आपने कॉर्न पे लगा के ऊपर रुई रख के पट्टी लपेट देना है। रात को सोते समय आपने ये ज़रूर काम करना है। इससे क्या होगा, डील जड़ समेत निकल जाएगा और आसपास की जो कोशिकाएँ हैं वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, और जो उसकी जगह कोशिकाएँ आएंगी उनमें डील की शिकायत नहीं बनेगी। ये थोड़ा सा लंबा होता है प्रोसीजर, इसमें आपको 1 हफ्ते से 2 हफ्ते या महीना आपको लगेगा टाइम, मगर आपकी समस्या बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। ये बहुत कारगर है, बहुत रोगियों को हमने बताया, इससे उनको बहुत फायदा हुआ है। दूसरा घरेलू उपचार बताता हूँ। शहद को थोड़ा सा गर्म करके रुई में डुबो के डील वाली जगह पे अच्छे से मालिश करें और आधा घंटा छोड़ के गर्म पानी से धो देवें। इससे भी डील की शिकायत बिल्कुल खत्म हो जाती है। तीसरा घरेलू उपचार बताते हूँ। देसी घी गरम करके डील वाली जगह पे मालिश करने से डील की शिकायत ख़त्म होती है। अब चौथा घरेलू उपचार बता देता हूँ। चौथा घरेलू उपचार में क्या होता है, जो मोमबत्ती होती है या मान लीजिए जो मधुमक्खी का छत्ता होता है, उससे जो मोम हमें मिलता है, उनमें से इतना तो संभव नहीं है जो शहर के लोगों को कि मोम छत्ते में से मोम ले, तो मोमबत्ती को लेके उसको गर्म करके सरसों का तेल मिला के अच्छे से गर्म कर लें। मान लीजिए मोमबत्ती का टुकड़ा, 1 इंच का टुकड़ा लिया हमने, 1 चम्मच से 2 चम्मच हम सरसों का तेल डालेंगे, उसमें अच्छे से गर्म कर लेंगे, उसमें जैसे हल्का गर्म रह जाएगा, सहन लायक होएगा, उसमें रुई डुबो के कॉर्न वाली जगह पे अच्छे से मालिश करेंगे, उसके बाद उसी रुई में अच्छे से डुबो के इसके ऊपर रख के और पट्टी लपेट देंगे। रात को लपेटेंगे, सवेरे खोल के अच्छे से गर्म पानी से धो देंगे। ऐसा करने से भी कॉर्न की शिकायत बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और मैंने आपको घरेलू उपचार 4 बताए, इसमें से केवल आपने 1 उपचार करना है, इनमें से जो आपको अच्छा लगे वो उपचार करना है। अब मैं आपको आयुर्वेदिक उपचार बता देता हूँ। आयुर्वेदिक उपचार में क्या करना है, आपने पंसारी या किसी जड़ी बूटी वाले से अलसी के बीज ले आने हैं, जिसे फ्लैक्सीड के नाम से भी जाना जाता है, तीसी के नाम से भी जाना जाता है, उसे पीस के पाउडर बना के रख लेना है। इसी तरह आपने अरंडी का तेल, जिसे एरंड का तेल भी बोलते हैं, कैस्टर ऑयल के नाम से भी जानते हैं, ये भी आपने
जड़ी बूटी वाले के पास से ले आना है, या आपको जड़ी बूटी वाली दुकान से जो देसी दवाइयाँ रखते हैं उनसे मिलेगा, किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं। इनको ला के आपने एक कटोरी में क्या करना है, ये पिसा हुआ अलसी का पाउडर 1 चम्मच डालना है और 2 चम्मच आपने डालना है अरंडी का तेल। अच्छे से पेस्ट बना के हल्का सा गर्म कर लें उस कटोरी में। उस हल्के गर्म पेस्ट को डील पर रख के ऊपर रुई रख के पट्टी लपेट देना है। आपने ये काम सुबह शाम करना है, सुबह लपेटना है शाम को खोलना है, शाम को लपेटना है सुबह खोलना है। जब हम पट्टी को खोलेंगे उसके बाद उसको अच्छे से उस जगह को, डील वाली जगह को गर्म पानी से धो के साफ कर लेंगे। इसी तरह फिर जब सुखा के दोबारा से वो पट्टी कर देंगे। सुबह शाम करने से ये डील की शिकायत 1 हफ्ते से 2 हफ्ते में बिल्कुल खत्म हो जाती है। दर्द तो पहले दिन से ही खत्म हो जाता है। अगर मान लीजिए कि आपके पास समय का अभाव है कि जी हम सुबह पट्टी नहीं कर सकते, तो कोई बात नहीं, आप रात को अच्छे से गर्म पानी से धो के सुखा के उसके बाद रात को पट्टी कर दीजिए। सवेरे खोल के उसके बाद अच्छे से गर्म पानी से इसको धो के उसके बाद छोड़ दीजिए। ऐसा करने से ये होगा कि 2 हफ्ते की बजाय 3 हफ्ते या 4 हफ्ते में आपकी डील की परेशानी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और दोबारा कभी नहीं होगी। और दोस्तों मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको जो ये नुस्खे बताए आपके बिल्कुल काम आएंगे। और लास्ट में मैं इतना ही बताना चाहूँगा कि मेरे बताए गए नुस्खों से अगर आपको पूर्ण लाभ मिले तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको पूर्ण लाभ नहीं मिलता तो आप नज़दीकी डॉक्टर से हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।